नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में स्वागत है। तो फिर अभी जैसा कि चल रहा है, ये जो आदेश मैं पढ़ने जा रहा हूँ लग रहा है 7 जुलाई का है, ठीक है। तो अभी क्या है, छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर माता पिताओं अभिभावकों का आदतन प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में है भाई, ठीक है। प्रमाणिक वैलिडेशन वाली बात की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए मेन बात करते हैं। तो कक्षा एक यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, जिसके द्वारा जो है कक्षा 1 से 8 तक का अध्ययन समस्त छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन प्रमाणिक खातों का विवरण PFMS पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए जाने की प्रक्रिया के विस्तार से अवगत कराते हुए तदनुसार कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्राओं के माध्यम माता पिता अभिभावकों के नाम PFMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान करने व अत्यधिक संख्या के नामों भिन्नता परिलक्षित हुई है, ऐसी स्थिति में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित माता पिता अभिभावक की पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि धनराशि का हस्तांतरण वास्तविक माता पिता अभिभावक खाते में हो सके। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग सेकेंड ये है अधिसूचना क्या है 31 जुलाई 2017, ये ढेर सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे मेन बात पे आते हैं, जो काला काला लिखा है, ठीक है। सेवाओं और प्रसुविधाओं या सहिकाओं के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदा ग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है विभिन्न दस्तावेज की प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है तो कुल मिला के इसमें जो कहा गया है कि मतलब आधार है जौन है सब कुछ है, बाकी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो काम चल जाएगा, तो आधार को बेस माना गया, ठीक है। देखिए आगे क्या गया है, उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रेरणा पोर्टल छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के विवरण को दर्ज किए जाने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश दिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं प्रसुविधाओं या सहिकाओं के संबंध में धनराशि को उनके माता पिता अभिभावक के बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए माता पिता अभिभावक से उनकी सहमति से उनका आधार नाम पता आदि एकत्रित किया जाए, इसके लिए सहमति पत्र प्रारूप संलग्न है। चलिए अभी मैं सहमति पत्र प्रारूप भी दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक पॉइंट हुआ है और भी 2-3 पॉइंट हैं, उसके बारे में भी देख लीजिए। नंबर 2 है, प्रेरणा पोर्टल छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशा मिलाकर किया जाएगा, स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार भरा जाए, इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर आवश्यक फील्ड तैयार है। प्रेरणा पोर्टल पर अंकित विवरण के आधार पर तैयार किए जाने वाले डाटाबेस में आधार नंबर को इनक्रिप्टेड अपठनीय रूप में आधार अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रखा जाएगा, ठीक है। 4, आधार नंबर के संलग्नक के इनक्रिप्टेड समझते हैं, आप जो लिखे होंगे वही आप ही जानो, कोई बाहरी नहीं जान पाएगा, या तो वो टीचर जानेगा, ठीक है, या तो बैंक जानेगा, बाकी अलग से कोई नहीं जानेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्नक सहमति पत्र अभिभावक को प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय अपेक्षा करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों और रैंडम आधार पर डाटा शुद्धता परीक्षण भी किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री PFMS पोर्टल वैलिडेशन तक की शेष प्रक्रिया अधोहस्तित पत्रांक 25 मई 2021 के अनुसार संपन्न की जाए। उक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रेरणा पोर्टल छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के त्रुटि रहित आवश्यक विवरण फीडिंग किए जाने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2021 निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त निर्देशों से सभी प्रधानाध्यापक को अवगत कराते हुए अत्यंत कड़ाई के साथ 100% पालन करना होगा और ये हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा का है। कुल मिलाकर वैलिडेशन की बात हुई है, इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है, ये देखिए प्रपत्र
ये देखिए, जो आप गार्जियन का आधार, ठीक है, जो गार्जियन का यूज़ करेंगे वह सहमति पत्र कुछ इस तरीके से होगा। अगर कोई मेरे को मैसेज करता है तो फिर मैं ये फॉर्मेट उसको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, और मुझसे व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे को अपना नंबर व्हाट्सअप भेजते हैं तो मैं आपका नंबर पर ये सारी चीज़ें भेज सकता हूँ भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा वीडियो, कुल मिला के 25 जुलाई तक वैलिडेशन वाला काम कंप्लीट कर देना है। लेकिन बात ये है कि लोग समस्या आ रही होगी शिक्षकों के पास कि आप कह तो रहे हो सबसे कि दे जाओ, लेकिन लोग दे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रिपेयरमेंट की पढ़ाई और धान की लगवाई जो कायदे से चल रही है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है कि बच्चे जो है अपने आधार कार्ड बैंक डिटेल नहीं दे कर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोशिश करी जाएगी तो 25 जुलाई तक का काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था मेरी वीडियो, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नमस्कार।